आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय है जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है, और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए, हम लगातार हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज SCO समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे, विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं